सब्सक्राइब कीजिए फूड ओपीएट चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूड ओपीएट। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर वड़ी। तो सांभर वड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है धनिया हरी, इसको मैंने यहाँ पे 200 ग्राम धनिया लिया है और ठीक से वॉश कर लिया है। वॉश करके हो गया है तो हम यहाँ चलते हैं। यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है, बेसन लिया है और ये है यहाँ पे तिल्ली जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है और हल्का सा कूट लिया है। ये अमचूर पाउडर है, खसखस लिया है और यहाँ पे हमने किशमिश लिया है और ये नारियल का बूरा है और ये काजू ली है और थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे लिया है चिरौंजी दाना। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे, ये धनिया को बारीक चॉप कर लेंगे। इस तरीके से हम धनिया को बारीक चॉप करेंगे। अभी इस सीज़न में बहुत अधिक मात्रा में धनिया आती है। ये जो सांभर बड़ी हम बनाने जा रहे हैं ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश है, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है इस डिश को। तो ये हमारी धनिया काट के हो चुकी है बारीक। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे गैस के पास में। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई को रख दिया है और इसमें हमने ऑयल भी डाल दिया है। तो ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ स्पून जीरा और इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और ये पेस्ट को डालते ही हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे हमें 2 मिनट भूनना है, खूब ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। तो इसमें ऐड कर देंगे अब हल्दी पाउडर 1/2 स्पून और इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर 1/2 स्पून और 1/2 स्पून गरम मसाला। इसमें ऐड कर देंगे ये खसखस 2 स्पून और 3 स्पून इसमें डालेंगे ये तिल्ली है जिसे मैंने रोस्ट करके कूट लिया है बारीक। और इसमें ऐड कर देंगे अब चिरौंजी दाना 2 स्पून और किशमिश ऐड कर देंगे 10 से 15 और 1/2 स्पून अमचूर पाउडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने काजू डाल दिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप कोकोनट ग्रेटेड किया हुआ। तो यहाँ पे मैं अभी 1 कटोरी डाली हूँ और 1/2 कटोरी और डाल देंगे। ये कप से देखें तो 1.5 कप है। जितना ज़्यादा हो सके हम कोकोनट डालें तो उतना अच्छा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है, बिल्कुल भी हाई नहीं करना है और लो फ्लेम पर ही हम सारे मसाले को भूनेंगे और इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिएगा, इस तरीके से मिक्स करना है। और इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पत्ती जो कि हमने काट के रखा हुआ है, तो इसको ऐड कर देंगे और इसे भी हमें तब तक भुनना है जब तक कि ये एकदम से सॉफ्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो भी मसाले सब डाले हैं हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये देखिएगा धनिया भी हल्का सा सॉफ्ट होने लगा है। और यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ध्यान रखना है कि हमें मीडियम पर ही रखना है। तो इसमें ऐड कर देंगे हम 2 स्पून शुगर, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 स्पून नमक ऐड किया है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरे मिश्रण को। ये देखिए, इस तरीके से हमारा जो मिश्रण है बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। और ये इतना ही ड्राई हमें बनाना है, खूब ज़्यादा हमें ऐसे कच्चा नहीं रखना है। तो ये देखिएगा, बहुत अच्छे से परफेक्ट मिश्रण रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तब तक हम यहाँ पे एक डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 2 कप बेसन लिया है। यहाँ हम जो कोथिंबर बड़ी जो बनाने जा रहे हैं यहाँ हम बेसन की बना रहे हैं और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हमने यहाँ पे 4 से 5 स्पून हमने ऐड किया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, इससे थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आ जाएगी पूरी में। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे हम 1/4 स्पून हल्दी पाउडर और नमक 1/4 स्पून और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा ऑयल मोयन के लिए, इससे अच्छा खस्ता और क्रिस्पी पूड़ियाँ बनेंगी। तो ये देखिएगा, हमने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है। तो इसको अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे, खूब ज़्यादा पानी डाल के हमें डो रेडी नहीं करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे डो रेडी कर रहे हैं। ज़्यादा हमें गीला नहीं बनाना है, बिल्कुल पूड़ी के जैसे ही आटा रेडी करना है। हल्का सा सख्त डो रेडी किया है हमने यहाँ पे, तो इसे हमें 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो इसको हम ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल के अच्छे से मसल लेंगे आटे को, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी 1 स्पून ऐड किया है ऑयल और थोड़ा सा हम 1 स्पून और डाल देंगे और इसे हमें अच्छी तरीके से मसलना है।
ताकि जो हम कोथिंबर बड़ी बनाएं तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे लोई नहीं तोड़ लेंगे इसके इकट्ठे पहले। सांभर बड़ी है जो कई प्रकार से बनाई जाती है, तो यहाँ पे हम बेसन की बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे छोटी छोटी लोई तोड़ के रख लिया है। तो एक लोई मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ बेल कर, ये देखिएगा, इसमें आप चाहे तो ऑयल लगा सकते हैं या फिर आटा लगा कर भी बेल सकते हैं पूरी के जैसे। तो ये यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और इसको मैं बेल के दिखा रही हूँ आपको। ये बहुत ही आसान और ईजी तरीका है बनाने का, ज़्यादा समय नहीं लगता है बनाने के लिए, बहुत ही अच्छी डिश है और बहुत ही स्वादिष्ट डिश है। तो इस सीज़न में धनिया बहुत अधिक मात्रा में आती है, तो इस डिश को ज़रूर बना कर देखिए। जब मैंने इसे एक बार बना कर देखा था तो मुझे बहुत मज़ा आया था। तो इसे हम 2 स्पून यहाँ पे स्टफिंग कर देंगे इसकी, इस तरीके से रखना है हमें बीच में, और इसको हाफ में ऐसे फोल्ड कर देना है और थोड़ा सा इस साइड भी फोल्ड करके हल्का सा पानी लगा देंगे इसमें, तो ये निकलेगा नहीं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे साइड में दोनों साइड यहाँ पानी लगा देंगे और ये देखिए इस तरीके से हमें फ़ोल्ड कर लेना है, और अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करना है, नहीं तो क्या है ये जब हम तेल में डालेंगे ना तो ये थोड़ा सा निकल सकता है स्टफिंग, तो इसलिए हमें अच्छे से ही यहाँ पे फ़ोल्ड करना है और हल्के हाथों से इसे दबाना है। तो यहाँ पे हमारी ये कोथिंबर बड़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो एक और मैं आपको स्टफिंग करके दिखा दूँ इस तरीके से, तो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तभी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं 2 स्पून ऐड कर रही हूँ, या फिर 3 स्पून भी डाल सकते हैं, जिस तरीके के आपने जिस आकार में बेला है इसी तरीके से हम यहाँ पे स्टफिंग करेंगे। तो ये देखिएगा, इसे हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और हाफ इसमें फ़ोल्ड करेंगे और हाफ साइड फिर से इधर हम हल्का सा पानी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है, ये बिल्कुल पॉकेट के जैसे बन जाएगा। आप चाहे तो इसे रोल करके भी बना सकते हैं, बट ये बेसन का बना रहे हैं इसलिए हम इसे रोल नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसी को अगर मैदे की बनाते हैं तो हम फिर इसको रोल करके बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे अच्छे से, और पानी ज़रूर लगाइएगा नहीं तो ये निकल सकता है। ये देखिए हमने यहाँ पे पानी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने सारी कोथिंबर बड़ी जो है बना के रेडी कर लिया है, ये देखिए बहुत अच्छे से स्टफिंग हुई है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सभी सांभर बड़ी को बना के रेडी कर लेंगे। तो अब चलते हैं, हम यहाँ गैस के पास में तेल को गर्म करने रख दिया है हमने यहाँ पर। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे ये सांभर बड़ी को, इसे कोथिंबर बड़ी भी बोलते हैं और सांभर बड़ी भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, नहीं तो ये कच्ची रह सकती हैं। तो जितना हो सके आप मीडियम फ्लेम पे तलेंगे तो उतनी अच्छे से क्रिस्पी बनेंगी और खस्ता बनेंगी। तो ये जो हम सांभर बड़ी बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और इजी तरीका है बनाने का, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी डिश बन के रेडी हुई है। आप इसे ज़रूर बना कर देखिएगा एक बार, बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। अभी इस सीज़न में हरी धनिया बहुत अधिक मात्रा में आती है, तो इस डिश को जो है महाराष्ट्र में बहुत अधिक मात्रा में बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग इसे। इस डिश को मैंने जब अपने हाथों से घर में बनाकर खाया तो मुझे ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से इस डिश को शेयर करूँ। बहुत ही ज़बरदस्त लगी मुझे, तो बहुत टेस्टी लगी। तो थोड़ा समय लग रहा है इसको तलने में, क्योंकि हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे तल रहे हैं इसलिए थोड़ा समय ले रहा है। तो ये देखिएगा, इसको हम अभी और पलटा देंगे, एक साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन कलर आप देख सकते हैं। तो हमें इसे बहुत ही अच्छे से तलना है ताकि जो है ये अच्छे से क्रिस्पी भी लगे और खस्ता भी लगे। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे। ये देखिए यहाँ पे साइड में चम्मच लगने से हल्का सा यहाँ पे स्टफिंग निकल चुकी है। तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए है ना, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी डिश है ये। जब इसे आप फर्स्ट टाइम खाएंगे तो आपको ये बहुत ही यूनिक डिश लगेगी खाने में, आप इसे ज़रूर बना कर देखिएगा। और ये यहाँ पे और भी 2-3 बची हैं, यहाँ मैं और उनको तल लेती हूँ बड़ी को। तो यहाँ हमने डाल दिया है, 3 बड़ियाँ हम निकाल चुके हैं और ये तीनों को अभी हम तल लेंगे। इसी तरीके से हम जितनी भी सांभर बड़ी को बना के रखा हुआ है तो इन सभी को हम तल के निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये तल के हो चुकी हैं, आप इसे चटनी के साथ खाइएगा और सॉस के साथ खाइए। ये हमारी गर्मा गर्म कोथिंबर बड़ी बन के रेडी हो चुकी हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन की बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार।